हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज भूगोल के सीरीज में सामान्य अध्ययन के विषय के रूप में भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा। इसके पहले हमने अक्षांश रेखा भी पढ़ ली थी, तो आज पढ़ना है देशांतर रेखा। तो पढ़ते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देशांतर रेखा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर खींची जाती है। और जैसे दिखा दें, आपको पहले समझा दें, ये ग्लोब है आपका। इस ग्लोब में ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार मैंने क्यों कहा, देखिए यहाँ से अगर ये पूरी लाइन अगर पैरेलल हो जाती, यहाँ से देखिए ये अगर पूरा होता तो पूरा वृत्ताकार होता, लेकिन हमने क्या कहा, अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार का मतलब यहाँ से आया और यहाँ तक। अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा, अभी अक्षांश रेखा हम लोगों ने पढ़ा था, अब पढ़ना है देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कुछ समस्याओं का मतलब जैसे 180, 181, 179 आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा में भी ये समस्याएं कहीं ना कहीं सामने प्रकट होती कि देशांतर रेखा कैसे खींचा जाए, कहाँ से खींचा जाए। तो ये प्रश्न भी उस समय आया था। तो 1884 में यूनाइटेड किंगडम में एक बैठक हुई थी जहाँ पे 0° देशांतर रेखा का निर्धारण किया गया था। तो हम पहले समझते हैं क्या था ये 0°। जैसे कि ये पूरा ग्लोब है या पूरी पृथ्वी मान लेते हैं। इसके पहले हमने इसको दो भागों में बांटा था भूमध्य रेखा से, तो हमने यहाँ से खींचा पूर्व से पश्चिम। लेकिन अब क्या करना है, उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। हमने यहाँ से एक लाइन खींच दिया। तो ये क्या किया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ये क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भाग क्या, ये ऊपर वाला जो है ये इधर का, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया पूर्वी और ये पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन अब यहाँ जो प्रश्न उठता है, वो प्रश्न ये है कि ये 0° कहां से माना जाए, ये 0° कहां से माना जाए, ये कहां से शुरू किया जाए। भैया ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये 0° कहां शुरू की जाए। तो वही हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक समय ऐसा था कि ब्रिटेन का साम्राज्य पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। कहा जाता था कि ब्रिटेन का इतना बड़ा साम्राज्य था, कि एक तरफ सूर्योदय होता, एक तरफ सूर्यास्त होता। और आप जानते भी हैं, भारत भी कभी न कभी ब्रिटेन का भी उपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने इंग्लैंड, जानते हैं इंग्लैंड ब्रिटेन का एक हिस्सा है, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो लंदन में एक वेधशाला थी। वेधशाला किसे कहते हैं, इसे गौशाला आपने नाम सुना होगा, जहाँ गाय रखी जाती है, गाय पाली जाती है, सिर्फ वेधशाला होती है, जहाँ से अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान का जहाँ से अध्ययन किया जाता है, खगोल विज्ञान का जहाँ अध्ययन किया जाता है, उसे वेधशाला कहते हैं। तो वहाँ पे वेधशाला थी, उस वेधशाला जहाँ पे थी उसका नाम था ग्रीनविच। तो ये प्रस्ताव रखा गया कि जो 0° देशांतर रेखा है वह कहाँ से खींची जाएगी, लंदन के ग्रीनविच शहर से। तो ग्रीनविच शहर से जब खींची जाएगी, खींची गई कौन सी, 0°। तो 0° जो रेखा थी ये कहाँ से खींची गई, लंदन के ग्रीनविच से। कहाँ से देखिए, रेखा थी इस तरह से खींचा गया इसे, लंदन के ग्रीनविच से। जब लंदन ग्रीनविच से खींचा गया तो इसका नाम रखा गया ग्रीनविच रेखा, या प्रधान मध्यान रेखा, क्या रखा गया, या प्रमुख यामोत्तर रेखा। अच्छा, देशांतर रेखा को यामोत्तर रेखा कहते हैं, लेकिन 0° को प्रमुख यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या नाम से, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको जीएमटी बताएं, क्या जीएमटी क्या है, क्यों इसे जीएमटी कहते हैं, जीएमटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 0° देशांतर रेखा को हमने क्या कहा, प्रधान मध्यान रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा और ग्रीनविच रेखा, इतने नामों से ये जाना जाता है। अब क्या किया गया, इसके बाद अब पूरे ग्लोब का जो कोण होता है वो कोण कितना होगा, देख लीजिए ये पूरा ग्लोब है। तो कोई वृत्ताकार यदि कोई वस्तु है, कोई ग्लोब है, तो उसका जो पूरा कोण होगा वो 360 अंश का होगा। कितने अंश का, 360 अंश का। तो ग्लोब का कोण भी क्या होगा, पूरा 360 अंश का होगा। कितने अंश का, 360 अंश का।
तो आगे देखते हैं हम लोग तेजस साठंस के बारे में। तो अगर एक डिग्री पे एक रेखा खींची जाएंगी तो पूरे ग्लोब का कोण कितना है, 360 अंश है। तो पूरा ग्लोब पे जो देशांतर रेखाओं की संख्या होगी वह कितनी होगी, 360 कैसे होंगी उसको समझ लेते हैं, फिर आगे अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसके आगे पहले बढ़ता जाएगा, इस तरह रेखाएं देख रहे हैं, इस तरह से बढ़ती जाएंगी, इस रेखाएं बढ़ती जाएंगी, तो एक एक करके एक डिग्री पे एक, एक डिग्री पे दो डिग्री पे तीन डिग्री, इस तरह बढ़ती बढ़ती तो पूर्वी गोलार्ध में कुल जब इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 180 पूर्वी गोलार्ध में। ठीक उसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में हम आएंगे तो पश्चिमी गोलार्ध में भी इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 180। अब पूछा जाए कि पूरे ग्लोब पर कुल देशांतर रेखा कितनी है, तो 360 है। कितनी है, 360। तो पूरे ग्लोब पर जो देशांतर रेखा की संख्या है वो कितनी है, 360 है। कितनी है, 360। 180 पूर्वी गोलार्ध, 180 पश्चिमी गोलार्ध। फिर अब समस्या बन गई, क्या समस्या बनी कि भैया एक जीरो डिग्री को जोड़ लेंगे तो बढ़ जाएगा ना, तो 361 होना चाहिए, नहीं। पहले एक अक्षांश रेखा खींचा गया, वहां पे विवाद उत्पन्न हो गया, उसके बाद जब देशांतर रेखा खींचा गया तो इस समस्या को निपटाया गया। कैसे निपटाया गया, आइए देखते हैं हम लोग। हमने क्या देखा कि जीरो डिग्री को हम प्रमुख या उत्तर रेखा, प्रधान मध्यान रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके पूर्वी गोलार्ध में या पूर्व तरफ 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई। इस प्रकार पूरे ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई। अब जीरो डिग्री को ले लेंगे तो 361 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देशांतर रेखा को मैंने बताया अर्धवृत्ताकार है, तो जो जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री जो इसके ठीक पीछे, इसके जो ठीक पीछे है वही है 180 अंश देशांतर रेखा, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों कहते हैं। तो 180 अंश जो देशांतर रेखा होती है उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है इसको समझ लेते हैं। इस जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा है इसके ठीक पीछे का जो देशांतर रेखा है उसका नाम है 180 अंश देशांतर रेखा। कैसे, इसको देख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका, यहां से है जीरो डिग्री, यहां से खींच जाएगा जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री यहां से खींचने के बाद इसके ठीक पीछे की, जैसे ये रेखा यही मान लेते हैं, जैसे कोई रेखा यहां खींची गई, देख लीजिए यहां से, तो यहां से खींची गई, यहां से इस तरह गया, ये हो गया जीरो डिग्री। लेकिन इसके ठीक पीछे का जो रेखा, इसके ठीक जैसे ये रेखा है, इसके ठीक पीछे की जो रेखा होगी, ठीक पीछे वो क्या होगी, 180 अंश देशांतर रेखा। अब क्या क्या गया, इधर का भी 180 अंश वही और इधर का भी 180 अंश वही, माने दोनों तरफ से जब मिलाएंगे तो दोनों का 180 अंश देशांतर रेखा एक ही होगी। अब वही हो गया, जैसे ये है, अब इधर से भी देखिए पांचवें पे यह है, पांचवें पे यह है, उसी तरह ये 180 अंश हो गया, इधर से भी है 180, इधर से भी है, माने 180 दोनों तरफ से एक ही है। अभी गिना जाए कि किसी व्यक्ति का स्थान दाएं से भी पांचवा, बाएं से भी पांचवा, कुल पंक्ति में कितने लोग हैं, तो कहेंगे 5, 5, 10, नहीं 9, क्योंकि इस व्यक्ति की काउंटिंग दो बार हो रही, इधर से भी और इधर से भी, सिर्फ 5 उंगलियां हैं, इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा, कुल कितनी हो गई, 6, नहीं 5, क्यों, 3 + 3 - 1, मतलब इस व्यक्ति की काउंटिंग दो बार हो रही है। उसी प्रकार 180 अंश देशांतर रेखा इधर से भी गिनी गई और इधर से भी गिनी गई। ठीक, तो अब 180 देशांतर रेखा जो है वह इधर से भी गिनी गई, इधर से भी गिनी गई, इस प्रकार दोनों तरफ से एक ही रेखा को 180 कहा गया, माने 179 के बाद 180, 179 के बाद 180, दोनों रेखाएं एक थी। समझ आ गया, जैसे यहां पे 179 पहुंचा, देखिए थोड़ा समझा रहे हैं आपको, यह 180 देशांतर रेखा, तो इधर का भी 179 और इधर का भी 179, और लेकिन 180 जो है वो दोनों का एक ही है। इस प्रकार इधर से 180, इधर से भी 180, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार पूरे ग्लोब पर जो देशांतर रेखा है उसकी कुल संख्या कितनी है, 360 है। कितनी है, 360, और जीरो डिग्री को नाम पता ही हो गया। अब 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अभी पढ़ते रहिए, लास्ट में कुछ फैक्ट चीजें आपको लिखवा देंगे लास्ट में नोट्स के रूप में, लेकिन अभी समझते चलिए क्या क्या चीजें आपके समझने लायक हैं। तो हमने क्या सीखा कि जीरो डिग्री देशांतर रेखा का नाम हमने क्या बताया आपको, वो बताइएगा। फिर 180 देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, ठीक, ये दोनों चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होती है, और ज्यों-ज्यों हम दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं उनके बीच की दूरी नगण्य होना लगती है या कम होने लगती है। ये क्या चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये हो गया 0 डिग्री मान लिया, ठीक। थोड़ा देखिए, ग्लोब बनाने गोला बनाने थोड़ी समस्या हो जा रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा समझिएगा। ये हो गया मान लीजिए 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के बाद जैसे ये हमने क्या बताया कि जैसे ये रेखा इस तरह से है, देख रहे हैं ये रेखाएं हैं। तो हमने क्या सीखा कि दो देशांतर रेखा की जो बीच की दूरी है, देखिए बीच की दूरी वो ध्रुवों पे भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा है, लेकिन ज्यों ज्यों हम ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है, और ध्रुवों पर जाने के बाद इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। तो हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखा की जो बीच की दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। कितना होती है, 111.32 किलोमीटर लगभग। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर लगभग होती है। कहां पे, भूमध्य रेखा पे। लेकिन जो जो दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते, दोनों ध्रुवों का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनके बीच की दूरी लगातार क्या होती है, कम होती जाती है, ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है, माने आकर एक बिंदु के रूप में मिल जाते हैं, एक बिंदु के रूप में हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब अगला है कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को हम कहते हैं गोर। क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। अच्छा, इसके पहले मैंने जब अक्षांश रेखा पढ़ाया था वहां पे भी मैंने प्रश्न आपको दिया था, याद होगा, नहीं याद होगा तो हम पूछ लेते हैं कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। फिर हमने क्या सीखा कि वहां पे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी बराबर थी, लेकिन देशांतर रेखा के बीच की दूरी ध्रुवों पे एकदम कम और भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक होंगी। बात समझ में आ गया आपको, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, 90 अंश पे काटते हैं। कहां पे, 90 अंश पे। तो एक प्रश्न भी आगे पढ़ेंगे और बताएंगे भी कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को कहां कहां, प्रमुख प्रमुख अक्षांश रेखा को किन किन स्थानों पर काटता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने देखा क्या कि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, 180 देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा कुल संख्या कितनी है, फिर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या कहते हैं, और सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, किस स्थान पर होती है, न्यूनतम दूरी कहां पर होती है, या अर्धवृत्ताकार होते हैं, इनकी संख्या कुल कितनी होती है। अब इस बात को ग्लोब से भी समझा दें अगर आप कहें तो। देखिए ये ग्लोब है, अब देखिए इनके बीच की दूरी, इसे ये दूरी हो गई। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से गोली तक चल रही है, लेकिन ध्रुवों पर क्या शून्य हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मुंडी के ऊपर एकदम जीरो हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, जबकि इधर से आएंगी, इधर से आएंगी, इधर से आएंगी, और यहाँ पे आने के बाद शून्य दोनों ध्रुवों पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाने के बाद उनकी जो दूरी होती है, बिंदु के बीच की दूरी बिंदु के रूप में जाता है, जीरो हो जाती है। बस यही समझाना था हमको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बढ़ना है उसको भी ध्यान समझिएगा। आपको समझाने का प्रयास कर, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, लेकिन समझिएगा, एक बार समझ लेंगे पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। और ये भूगोल की इसके बाद ऑप्शनल क्लास चलाएंगे, वैकल्पिक विषय के रूप में भूगोल आप लोग जोड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके जोड़ सकते हैं, और फेसबुक पे ई-लर्निंग भी दुर्गेश। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर घूमती है, ये पृथ्वी हमारी अपनी धुरी पर घूमती है। अब प्रश्नोत्तर पहले किधर से किधर घूमती है, फिर आगे देखते हैं। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, ये कैसे पता हो गया। देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है इसलिए ये लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। कितने देर में, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। वही 23 घंटे 56 मिनट और
वो तो आप लोग को उतना घुसना नहीं है, ये तो पूरा तोड़ के हम लोग देखते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। जब एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया कि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, किधर से, पश्चिम से पूर्व। कैसे पता, देखिए आप कभी बस ट्रेन पर बैठे होंगे, जब हम बस और ट्रेन पर बैठते हैं तो बाहर कभी झलक देखिए, जब ट्रेन या बस चलती है तो पेड़ ऐसा लगता है पीछे भाग रहे हैं, देखा आपने कि पेड़ पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तव में कौन भागता है, हम, पेड़ क्या है, स्थिर। कल्पना करिएगा, कभी देखिएगा कि ट्रेन और बस से जब हम चलते हैं तो लगता है पेड़ भी पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम आगे भागते, खंभा पीछे भागता है लेकिन वास्तव में हम भागते हैं। उसी प्रकार सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य क्या है, अपनी जगह पर स्थिर है। अब पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। इसलिए हमारे यहाँ सूर्योदय क्या होता है, पूर्व दिशा में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, जबकि सूर्य स्थिर है, चलता कौन है, हम, किसकी भांति, ट्रेन और बस की भांति। और हमको ये लगता है कि सूर्य पश्चिम से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम जा रहा है, जबकि वास्तव में हम पश्चिम से पूर्व आते हैं। इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। इस प्रकार पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है, अपने धुरी पर एक चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे एक बात और स्पष्ट हुआ कि जब एक चक्कर पूरा करती है माने 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमने का मतलब है कि 360 डिग्री घूमने का मतलब है कि पृथ्वी 24 घंटे में, कितने देर में, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है या 360 डिग्री, चलिए देखते हम लोग कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, 360 डिग्री या अंश घूमने में कुल 24 घंटे का समय लेती है। कितने देर का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है, कितने देर का, 24 घंटे का समय लेती है। फिर अब एक घंटे में कितना घूमेगी, एक घंटे में कितना घूमेगी, सीधी सी बात है, ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, तो एक घंटा बराबर या 1 hour बराबर 360 डिवाइडेड बाय 24, मतलब 360 बटे 24, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री या 15 अंश। हम कह सकते हैं कि एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमती है, 15 डिग्री घूम जाती है। अगर आप हमसे एक घंटे तक जुड़े रहे, आपने एक घंटा पढ़ लिया, तो ब्रह्मांड में हमने कितना चक्कर लगा लिया, 15 डिग्री या 15 अंश घूम लिए। अच्छा, यहाँ से एक बात हम और आपको स्पष्ट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जैसा आप जानते हैं। अगर हमें पूछे तिरंगे में कितने कलर, आप 3 बताते हैं, जबकि 3 नहीं, 4 है। कैसे, अभी भी जानते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए ये हो गया, ये 3 कलर हम बताते हैं, ऊपर केसरिया सफेद पट्टी, ये है हरा, बीच में नेवी ब्लू कलर की एक चक्र होती है, कौन सी है, नेवी ब्लू कलर की चक्र होती है, जिसमें कितनी तिलियां होती हैं, 24 तिलियां होती हैं, कितनी तिलियां होती हैं, 24 तिलियां, तो 24 तिलियां होती हैं। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 2 तिलियों के बीच में कुल कितने अंश का कोण होता है, तो बस यही है कि 2 तिलियां कुल कितना, 360 अंश हुआ, और 24 तिलियां तो 360 भागे 24 बराबर कितना रहेगा, 15 अंश। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 2 तिलियों के बीच में 15 अंश का कोण होता है, कितने अंश का, 15 अंश का कोण होता है। अब पृथ्वी भी हमने क्या देखा, पृथ्वी भी हमने ये पढ़ लिया कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, घंटे को बदलते हैं मिनट में, तो मिनट बदलेंगे तो एक घंटा बराबर हम जानते हैं 60 मिनट, चूंकि एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 60, इसलिए 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है, 15 डिग्री या 15 अंश, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री मतलब के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, 60 बटे 15 बराबर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, माने 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक प्रश्न यह पूछ देता है जी, ये समझ लीजिए पहले कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटे 24 काट दिया तो 15 डिग्री, माने एक घंटा में पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चक्कर लगाते हुए 15 डिग्री दूरी तय करेगी या 15 अंश चलेगी। तो
एक घंटा बराबर 60 मिनट, मैंने 60 मिनट चलने में 60 मिनट चलने 15 डिग्री चलने में 60 मिनट लगती है। 1 डिग्री बराबर 60/15 बराबर 4 मिनट, माने 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक प्रश्न और पूछता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देशांतरी रेखा की सही व्याख्या करता है, तो चार विकल्प देगा, उसमें जानते रहिएगा कि हम पृथ्वी को अगर प्रकोष्ठ को बांटना होता है इसी क्रम में बांटते हैं कि एक घंटा में 15 डिग्री तो पूरा 360 डिग्री है तो उसे 15-15 खाने के रूप में बांटा जाता है तो 24 घंटे घूमती है। जैसे ये मैप ले लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि प्रश्न पूछ लेते हैं सीधा सीधा और हम आप कंफ्यूज होते सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं था। जैसे 0 डिग्री हो गई, ठीक, तो 0 डिग्री की पूर्व तरह जब बढ़ते हैं पूरे पश्चिम तरह तो 1 डिग्री बढ़ना ही है, लेकिन यहाँ करते क्या है इसे 15-15 डिग्री खाने में बांट देते, कितने कितने डिग्री 15-15 डिग्री के, तो कोई स्थान दिया है 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 42 डिग्री तो 42 डिग्री गलत होगा, क्यों, क्योंकि 15 डिग्री का ही लिया जाता है कि एक एक घंटे का डिफरेंस, तो 12 खंड इधर 12 इधर, माने पृथ्वी को 24 या पृथ्वी ग्लोब को या मैप को 24 भागों में डिवाइड करते हैं, कितने भागों में 24, क्यों, क्योंकि 15-15 डिग्री को एक डब्बे में रखते हैं या एक डिवाइड में करते हैं, देख रहे हैं इसे यहाँ से यहाँ तक आएंगे 15 डिग्री 0 से 15 30 45 60 को 15-15 में डिवाइड करके रखते हैं। प्रश्न हम आपको बता देंगे जब लास्ट में हम इसकी एसटी कराएंगे तो हम बताएंगे कैसे प्रश्न पूछता है, लेकिन ये जानते रहिएगा कि जहाँ कुछ ना देगा वहाँ हम इसको कितने में डिवाइड करते हैं 15-15 के खंड में डिवाइड करते हैं, 15 देशांतर रेखाएं मतलब 15 का गुणज के रूप में, ठीक है, अभी इसकी फिर जरूरत पड़ेगी आगे हम लोग फिर देखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, हमने ये देख लिया कैसे पृथ्वी घूमती है, अब और कुछ पढ़ लेते हैं फिर समझना शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा संख्या रेखा, क्या पढ़ा होगा संख्या रेखा, तो संख्या रेखा हमने क्या पढ़ा था, जैसे ये हो गया ये 0° हो गया, इसके दाई तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे दाई तरफ गए तो नंबर क्या होता है धनात्मक होता है 1, 2, 3, 4, 5, बाई तरफ आए -1, -2, -3, -4, -5 अनंत हो गया, तो हमने क्या देखा कि 0 से दाईं तरफ जाने पे धनात्मक नंबर प्राप्त होता है, बाईं तरफ जाने पे ऋणात्मक नंबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब हम इस ग्लोब पर 0 डिग्री से पूरब की तरफ बढ़ेंगे हमारे दाएं तरफ तो समय क्या होगा पॉजिटिव जुड़ता जाएगा, और बाईं तरफ आएंगे तो समय क्या होगा घटता जाएगा। ये 0 डिग्री के साथ साथ अन्य किसी भी अंश पे बात करेगा तो उसके अगर हम जिस अक्षांश रेखा के अगर हम पूर्व तरफ बढ़ेंगे समय जुड़ जाएगा और पश्चिम तरफ आएंगे समय क्या होगा घट जाएगा कम हो जाएगा, ठीक, कैसे कम होगा 1 डिग्री पूर्वी जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा और पश्चिम आने पर 4 मिनट का समय घट जाएगा। जैसे अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितने 0 डिग्री देशांतर रेखा पे यदि दिन के 12 बज रहे हो माने 12 AM हो रहे सॉरी PM हो रहे हो तो 1 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में कितना बजेगा 1 डिग्री माने 4 मिनट 12:04, लेकिन बाईं तरफ आएंगे पश्चिम तरफ आएंगे तो क्या होगा 4 मिनट का समय कम हो जाएगा माने 11:56 AM होगा, जबकि 0 डिग्री पे 12 PM है लेकिन उसके आएंगे AM हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में गए 10 डिग्री माने 1 डिग्री बराबर 4 मिनट 10 डिग्री और 40 मिनट तो 12:40, जबकि पीछे आएंगे तो 11:20। तो ये चीजें हमने देखा कि जब हम पूर्व तरफ बढ़ते हैं समय जुड़ जाता है और पश्चिम तरफ आते हैं समय क्या होता है घट जाता है। तो यह जो मैंने आपको बताया ये समझाया ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने का पढ़ाने का प्रयास किया। ये थे देशांतर रेखा का समय। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं देशांतर रेखा का मानक समय कैसे ज्ञात करते हैं। तो मानक समय ज्ञात करने के लिए इसी वीडियो में मैं कहें या तो आगे वीडियो में बता देते हैं, चलिए इसी में क्लियर कर लेते हैं फिर जब भारत का भूगोल भारत का मानक समय पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। हम ये देखते हैं कि जब 0 डिग्री से दाईं तरफ जाते हैं समय क्या होता है जुड़ता जाता है, क्या होता है समय जुड़ता जाता है। तो ये पूरी देखिए ग्लोब हो गई हमारी, ये देखिए ये पूरा ग्लोब हो गया, ये हो गया 0 डिग्री। हमने क्या सीखा कि 0 डिग्री की पूर्व तरफ जाते हैं, 0 डिग्री की पूर्व तरफ जाते हैं तो क्या होता है प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम तरफ 4 मिनट घट जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा, ये भी हम जानते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं 180, कितनी देशांतर रेखाएं हैं आप जानते हैं 180 है और पश्चिम में भी 180। तो
कितना समय आगे होगा ये समझ लेते हैं। अगर 0 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 180 अंश देशांतर रेखा कितने बजेंगे, अब उसको समझ लेते हैं। अब वहां क्या होगा देखिए, अब यहां से लेकर यहां तक कुल कितने अक्षांश रेखाएं आएंगे, 180 अंश, तो 180 देशांतर रेखाएं होंगी। और एक देशांतर रेखा में 4 मिनट समय बढ़ता है तो 180 अंश देशांतर रेखा में कितना समय बढ़ेगा, 180 × 4 बराबर 720 मिनट। 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 घंटा। पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे तो प्लस, और ये पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो 12 घंटे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 घंटे माइनस का मतलब, अब जैसे 0 डिग्री पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो ठीक उसी समय 180 अंश पूर्वी गोलार्ध पर, माने 180 अंश जो रेखा है जिसे मंत्रालय तिथि रेखा के नाम से कहते हैं, वहां पर क्या होगा, ठीक रात के 12 बजेंगे अगला दिन। समझ रहे हैं, जैसे आज दिन के 1 बज रहे हैं तो रात के 1 बज जाएंगे, आज सोमवार तो मंगलवार, जबकि ठीक इसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक उसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 12 घंटे समय कम हो जाएगा। मतलब आपको मैप समझाते हैं, फिर ग्लोब में बताते हैं। देख लीजिए इसको, ये 0 डिग्री है, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके 180 डिग्री जब पूर्व में जाएंगे तो 12 घंटे समय जुड़ गया, और जब पश्चिम में आएंगे तो 12 घंटे समय क्या होगा, 12 घंटे समय कम हो जाएगा। जब 12 घंटे समय कम हो जाएगा तो दोनों मिला दिया, अगर यहां से यहां तक जाना है तो 12 घंटे ये 12 घंटे ये 24 घंटे का अंतर आता है कहां पे, उसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। मानो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगी वो क्या होगा, वहां पे एक दिन समय घट जाएगा और बढ़ जाएगा, इसलिए उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जैसे 0 डिग्री है, इसके पूर्व गए 180 डिग्री पूर्व तरफ गए तो क्या होगा, आज दिन के 1 बज रहे हैं तो वहां रात के 1 बजेंगे, और इसके पीछे अगर आज सोमवार है तो मंगलवार, और इधर गए तो एक दिन का मतलब 24 घंटे का फर्क होता है, 12 घंटे ये 12 घंटे ये। तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, जैसे अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यहां से अगर एक चक्कर पूरा ले तो पूरा 180 डिग्री होगा, तो 24 घंटे का माने एक दिन का अंतर प्राप्त होता, कितने दिन का, एक दिन का अंतर प्राप्त होता। इसलिए जब इसको हम अध्ययन करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ते हैं या उसका हम अध्ययन करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, तो अभी देखेंगे इसको टर्न भी कर दिया गया है। अब एक साइड रविवार, एक साइड सोमवार, सोमवार और रविवार, ये रविवार सोमवार क्यों भैया, उस पार सोमवार इस पार रविवार, अगर उस पर शुक्रवार इस पर बृहस्पतिवार, क्यों, क्योंकि 24 घंटे का अंतर हो जाता है। हमने क्या देखा कि पूर्वी गोलार्ध में 0 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिमी गोलार्ध पे आने पर समय घट जाता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे एक दिन का फर्क होता है, इसलिए उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कुछ जगह टर्न कर दिया गया है, अच्छा टर्न क्यों किया गया इसको समझ लीजिए। देखिए अब जैसे कोई देश है, अब उस देश के बीच से, उस देश के बीचों बीच से क्या गया, देश है, अब देश में से अंतरराष्ट्रीय रेखा गुजर रही है तो हम जानते हैं 24 घंटे का फर्क है, कितने देर का, 24 घंटे का, मतलब एक तरफ सोमवार एक तरफ रविवार, आप इंप्लाई हो गए, आप अधिकारी हो गए, आपकी ड्यूटी लग गई, तो आप इस पार से उस पार गए, कोई रेखा खींची नहीं गई, मानक है, इससे आपकी ड्यूटी लगी, आपका घर है वहां से आपके 10 किलोमीटर दूर लगी, बीच से रेखा गुजरती है, इस पार सोमवार उस पार रविवार, आप सोमवार ड्यूटी गए रविवार पहुंचे, रविवार को गए तो कह तारीख को पहुंचे हैं।